आप देख रहे हैं BHBC News। अभी तक ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कपड़े, आभूषण और घर का जरूरी सामान यानी कि लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी होती थी, जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार सामान को ऑर्डर करवा के मंगवा सकते थे। लेकिन अब शराब के चाहने वालों के लिए ऑनलाइन कंपनियां खुशखबरी लेकर आई है। अब जल्द ही शराब की होम डिलीवरी भी देखने को मिलेगी। फ्लिपकार्ट जल्द ही शराब की होम डिलीवरी शुरू करने पर विचार कर रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि अमेज़न पहले ही अपने ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान कर रही है। वॉलमार्ट के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने देश के दो राज्यों में शराब की होम डिलीवरी के लिए स्प्रिट जॉइंट डियाजियो की हिस्सेदारी वाले एक स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी द्वारा शराब की डिलीवरी हिब्बा रिटेल आउटलेट से कलेक्ट करने की बात करेगी। भारत में शराब का मार्केट करीब $27.2 बिलियन का है। फ्लिपकार्ट और अमेजन ने इस बड़े शराब बाजार में अपनी पैठ जमाने के लिए यह नया प्लान तैयार किया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सरकारों ने कहा है कि फ्लिपकार्ट शराब होम डिलीवरी करने वाले मोबाइल एप्लीकेशन हिप बार के साथ टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जुड़ी हो सकती है। हिप बार में डियाजियो इंडिया की 26% हिस्सेदारी है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाद देश के दो टॉप फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी और जोमेटो ने भी कुछ शहरों में शराब की होम डिलीवरी शुरू की है। उल्लेखनीय है कि जून में खबर आई थी कि अमेजन ने पश्चिम बंगाल में शराब डिलीवरी करने के लिए क्लियरेंस ले ली है। इसके अलावा स्विगी और जोमेटो ने कुछ शहरों में शराब डिलीवरी की शुरुआत कर दी है। दरअसल कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को घरों से बाहर निकलना कम हो गया है, जिससे घर पर शराब की होम डिलीवरी की मांग बढ़ गई है। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण के चलते कई महीनों तक लॉकडाउन लागू रहा। इस दौरान अन्य जरूरी मार्केट्स के साथ ही शराब की दुकानें भी बंद रही। इसके बाद जब सरकार द्वारा शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई और शराब के रेट तय रेट से भी ज्यादा कर दिए गए, बावजूद इसके शराब पीने के शौकीन लोगों की इतनी लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ी। आप देख रहे हैं BHBC News।